प्रकाश पूजा का पूर्ण पर्व बिल्कुल सामने है। 9 जुलाई दिन रविवार को व्यास पूजा है, गुरु पूर्णिमा के नाम से भी साधक जानते हैं। अपने अपने ढंग से सभी अपने पूजन को, अपने पुष्पांजलि को, अपने भावों को, अपनी कृतज्ञता को भगवान एवं गुरुदेव को समर्पित करते हैं। गुरु पूजा केवल एक दिन में ही पूर्ण नहीं हो पाती। जो गुरुदेव ने मार्ग दिखाया हुआ है, जिस पर चलने के लिए उन्होंने निर्देश दिया हुआ है, उस पथ पर चलना, उसका अनुकरण करना साधक अपनी साधना में शीघ्रतर आगे बढ़ता चला जाता है। व्यास पूजा तक जो साधक विशेष रूप से साधना में लगे हुए हैं, वह इन दिनों में गुरु महाराज की विशेष कृपा को अनुभव करते हैं। अपनी साधना में लगे हुए, नाम का जाप करते हुए गुरुदेव की समीपता को पूर्णतः अनुभव करते हुए अपने हृदय से गुरुदेव का धन्यवाद करते हैं कि जिस सत पथ पर हमें चला दिया गुरुदेव ने। मानव तो संसारिक पदार्थों की ओर खींचता चला जाता है, गुरु ही तो है जो सत पथ का निरूपण करवाता है। वह सभी बड़े भाग्यशाली हैं जिनको मार्गदर्शन श्री स्वामी जी महाराज का उनके ग्रंथों द्वारा प्राप्त हो रहा है। भ्रम भूल में भटकते उदय हुए जब भाग, मिला अचानक गुरु मुझे, लगी लगन की जाग। जब पूर्ण गुरु प्राप्त हुए, उन्होंने नाम दीक्षा द्वारा और नाम की महिमा का जो गुणगान किया, जो उसको बताया, और साधक ने उस अनुसार अपनी साधना आरंभ की, नाम का जाप आरंभ किया, सिमरन, चिंतन, ध्यान इत्यादि, साथ में सेवा पर हित परोपकार। ऐसा जीवन उसने जीना आरंभ किया। परिवर्तन साधक स्वयं अनुभव करता है। निस्संदेह गुरु की महिमा तो शेष गणेश जी वह भी नहीं गा पाए। कोई विरला ही गुरु की महिमा को जान पाता है।
बड़ा अगर मानव से कोई अपराध भी हो गया हो, पश्चाताप पूर्वक गुरु के सम्मुख वह अपने किए हुए पाप कर्म को वर्णित कर दे और क्षमा याचना करे। गुरु चाहे तो वह देव आदि देव से अपने सम्मुख जो उपस्थित है उसे पाप मुक्त करवाने में वह समर्थवान हुआ करता है। कोई विरला ही जानता है गुरु की महिमा को। गुरुदेव सम्मुख साधक को सचेत करते रहते हैं। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने वर्णन किया है, हे साधक तू जाग जा, अपने हृदय के नेत्र खोल करके देख, तू विषय वासनाओं में ही घूम रहा है और तेरी आयु नित प्रतिदिन प्रतिक्षण समाप्त होती जा रही है। तू जाग जा, तू जगत की ओर उस ओर ज्यादा आकर्षित ना हो। जग जागे छल छिद्र में, तुम जागो शुभ बीज। शुभ कर्म पुण्य कर्म इसको तू पहचान, अपने आप को इस भव सागर से पार पाने के लिए जो तुझे मार्ग दिया गया नाम का जाप, ये तू नियमित रूप से बड़े प्रेम से श्रद्धा से और प्रीति से किया कर। तू जाग जा, कैसे? एक तो तुझे अपने निज गुणों का पता होना चाहिए और जो तेरे अंदर दोष है उसको भी दूर करने के लिए तू स्वयं प्रयत्नशील होना चाहिए। प्रत्येक प्राणी अपना साक्षी आप है। अपने आप को धोखा देना अपनी आप हानि करना है। अज्ञान यही पाप कर्म करवाया करता है। तू सद ग्रंथों का पाठ कर अपने ज्ञान को बढ़ा, उस मार्ग को जो महापुरुषों ने वर्णन किया है उसको अपना ले और उसको बड़ी दृढ़ता से चल। अपने मन को व्याकुल नहीं करना। अपने मन में राम नाम को रमा ले। ये जो तेरे सांस बीत रहे हैं तू व्यर्थ और अनर्थ कार्य में जो समय व्यतीत कर रहा है ये बहुमूल्य मोती
जो विषयों के हेतु तू यूं ही फेंक रहा है, इनका दाम तीनों लोकों की संपत्ति भी नहीं हो सकता। ये अमूल्य है। एक एक तव सांस का तीनों लोक ना दाम, तेरा एक एक सांस की जो कीमत है तू पहचानने की कोशिश कर। तीनों लोकों की संपत्ति तेरे एक सांस की कीमत भी नहीं हो सकती। तू मन से राम नाम की माला जप ले, तू सचेत हो, अपने मन को समझा। उस अलख निरंजन की कृपा को प्राप्त कर, अपने शुद्ध स्वस्वरूप को जा। इस प्रकार गुरु महाराज ने कहा, सचेत किया साधक को, तेरे लिए क्या उचित है क्या अनुचित है। तब गुरु महाराज ने अपने प्रवचन में कहा था, हे प्यारो, आप नाम का आराधन करते हैं, इसमें पक्कापन होना चाहिए, सुदृढ़ होना, निश्चय होना चाहिए, संशय आत्मा को दुर्बल बनाता है। ये बात निश्चित है। जब परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने गीता में से श्लोक का उच्चारण किया संस्कृत में, जिसका अर्थ हे प्यारे, जो आराधन करने वाला है, अब संशय ना हो प्राणी को कि अब मेरा क्या होगा। हे प्यारे, जो आराधन करने वाला है वह कभी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। यहां पर साधक को बहुत संतुष्टि होती है। अब मैं कैसा हूं, कितने निषिद्ध कर्म कर चुका हूं, किस प्रकार का हूं, अब मुझे संशय चिंता नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जो गुरुदेव ने पथ दर्शाया है मैं उस पर अब चलने लगा हूं। अब दुर्गति का तो कहीं किस प्रकार का भी संशय नहीं है। बुराई के लिए सदैव अपने आप को बचा कर के रखना। जो बुद्धिमान होता है उसमें शक्ति बहुत प्रभाव से कार्य करने आरंभ कर देती है। जो एकांत में बैठकर निर्णय कर सकता है क्या उचित है क्या अनुचित है, क्या मुझे करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, बुद्धि और मन ये अलग अलग नहीं है, ये एक दूसरे के सहायक है। जैसे मन करेगा बुद्धि भी उस ओर हो जाएगी। बुद्धि जो सोचेगी जिस ओर चलेगी मन उसका साथ दे देगा। ये एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं, ये दोनों अलग अलग नहीं है। तब
गुरु महाराज ने यह निरूपण करवाया, हे साधक तुझे क्या करना उचित है क्या अनुचित है। तब आज का प्रसंग, उसका रहूं कृतज्ञ मैं मानूं अति आभार, जिसने अति हित प्रेम से मुझ पर कर उपकार। मैं अपने गुरुदेव का बहुत ही आभार प्रकट करता हूं, उसका रहूं कृतज्ञ मैं मानूं अति आभार, जिसने अति हित प्रेम से मेरा हित किस में है। उन्होंने प्रेम से प्रेम पूर्वक मुझे सन्मार्ग दे दिया और मुझ पर बहुत उपकार किया, मुझे भ्रम से भटकना से बचाते हुए सन्मार्ग पर डाल दिया और वह प्रकाश दिया जिससे मैं सतपथ पर चलता रहूं। और वही उनकी कृपा, गुरुदेव द्वारा दिया नाम और उनके द्वारा दर्शाया मार्ग सतपथ, नाम का जाप, सिमरन, स्वाध्याय, चिंतन इत्यादि, इससे अपने निज रूप की, जिससे उसके दर्शन करवाने का जो मार्ग प्रशस्त किया, जिससे सारे कार्य अपने आप सुधर जाए, यही रास्ता है। बाधा विघ्न विनाशों, जब इस पथ का अनुगामी दृढ़ता से विश्वास से अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होता है, बाधा विघ्न विनाशों, उसके मार्ग में सभी प्रकार के बाधा विघ्न अपने आप नष्ट हो जाया करते हैं, क्योंकि गुरु कृपा साथ हो जाती है और साधक उसका प्रियतर परमेश्वर कृपा करते हैं। अपने धाम के रास्ते पर कोई भी उसके वादा विघ्न को स्वयं आप साफ करते चले जाते हैं। तब गुरु महाराज ने कहा, हे साधक तू इस पथ पर चलकर बड़ी सुगमता से इस संसार रूपी भव सागर को पार कर जाएगा। तब साधक कृतज्ञता और आभार प्रकट करता हुआ नमन करता है, वारे जाऊं संत के जो देवे शुभ नाम, बात पकड़ सुस्थिर करे राम बतावे धाम। मैं ऐसे गुरुदेव से ऐसे संत पर बार बार बलिहारी जाता हूं, जिसने मेरी बाह पकड़कर सतपथ पर चला दिया, उस धाम का रास्ता बता दिया और कृपा की उसकी प्राप्ति भी करवा दी। ये गुरु महिमा है और साधक का आभार, उसकी कृतज्ञता कि जिसने उपकार किया है, जिसने इस भव सागर को पार पाने का मार्ग बता दिया। हे गुरुदेव, आपके श्री चरणों में नत शिर बारंबार नमस्कार 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 नमस्कार। व्यास पूजा तक अपनी विशेष भावना बनाए रखना। साधक अपनी साधना में जहां पर भी कमी है, गुरुदेव जानते हैं,
श्री स्वामी जी महाराज की, परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज की समीपता को अनुभव करना, गुरु महाराज के सद ग्रंथ का पाठ करना, लीनता की लय अवस्था में अपना जाप करते चले जाना, आप स्वयं अनुभव करेंगे जब 9 जुलाई व्यास पूजा के पुण्य पर्व पर आप पुष्पांजलि अर्पण कर रहे होंगे, अपना आभार प्रकट कर रहे होंगे, अपनी कृतज्ञता प्रकट कर रहे होंगे, तो आप अनुभव करेंगे कि आप साधना में और किस प्रकार से आगे बढ़ चुके हैं। ये गुरु कृपा से, श्री राम कृपा से प्रत्येक साधक ऐसे अनुभव को प्राप्त